दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका गीत गजल और कविताओं के एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों हमारा देश सर्वधर्म सद्भावना का देश है। हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और हम वही हमारी परंपरा है, हम उसको निभाते हैं। आज ईद के इस पाक मुकद्दस मौके पर मेरी तरफ से टीवी वन इंडिया के तमाम अराकीन जितने भी सदस्य हैं सबकी तरफ से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मुकद्दस मौके पर मुझे अमीर मीनाई साहब का एक नातिया कलाम याद आ रहा है जो आपके लिए खास तौर से मैं पेश करना चाहूँगा कि फरिश्तों में है हंगामा, रसूल पाक आते हैं। फरिश्तों में है हंगामा, रसूल पाक आते हैं, खुले रहमत के दरवाजे शहे लौलाक आते हैं। सितारों से कहो पलके बिछाएं, उनकी आमद है, मलाइक जिनके घर पर झाड़ने को खाक आते हैं। मलाइक जिनके घर पर झाड़ने को खाक आते हैं और उठाकर उंगलियां कहती हैं बहरे मौज रहमत की कि दरियाए रिसालत के बड़े तैराक आते हैं। कि दरियाए रिसालत के बड़े तैराक आते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच अदब के ऐसे तीन हस्ताक्षर मौजूद हैं, आप यकीन मानिए कि जिस वक्त उनका इल्म उनका हुनर सर चढ़ के बोलेगा आप खुद ब खुद क्या उठेंगे वाह जी वाह। हमारे बीच हैं कौसा मुमरा से पधारे हुए एक ऐसे अजीम शायर जिनको आपने शायद अभी तक सुना और देखा नहीं होगा। ये हमारे इस चैनल की एक खिदमत एक कसदन काविश है कि हम ऐसे शायरों को आपके बीच लेकर आएंगे जो बहुत काबिल हैं मगर आपसे महरूम रहे हैं। मेरी मुराद है एक ऐसा शायर जो हिंद जो गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार है, मोहतरम जनाब एजाज हिंदी भाई। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें एजाज हिंदी साहब का। इसी फहरिस्त में हमारा अगला नाम है एक ऐसे शायर का जो उस्तादियत की हर सिफत रखता है, उनको उस्ताद होने का पूरा हक हाजिर है। एक ऐसा शायर जो हमारे बीच कलवा से हाजिर हुए हैं, मेरी मुराद है आसी बयारवी साहब से। मैं चाहता हूं कि आसी बयारवी साहब का पुरजोर तालियों से स्वागत किया जाए। अब मेरे तीसरे शायर जो हैं उनके लिए कहना बहुत वाजिब होगा, उम्र बचपन की और दिल बचपन का। क्या बात है, एक ऐसा मजाहिया शायर, आप यकीन माने एक ऐसा मजाहिया शायर जो नई पीढ़ी की नुमाइंदगी करता है। मेरी मुराद है मुमरा से पधारे मेरे छोटे भाई समर देवबंदी जुगाड़ साहब। जुगाड़ भाई का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत शुक्रिया। चलिए महफिल को शुरुआत करते हैं और दावत सुखन देते हैं आज की महफिल के पहले शायर को, वो शायर जो आपको हंसाने के लिए बेताब है और आप भी शायद उसको सुनने के लिए बेकरार हैं। मेरी मुराद है समर देवबंदी जुगाड़ साहब, आइए आपका स्वागत है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी खुशकिस्मती है कि वाइस साहब ने मुझे वाजिवा में बुलाया और मैं चंद मुतफरी कशार कतात और गज़ल आपके सामने रखूँगा। मुला समात फरमाएं कि चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और ये भी देखिए, बीवी मारे सुबह शाम, बीवी मारे सुबह शाम, दुनिया हो गई झंडू बाम। बीवी मारे सुबह शाम, दुनिया हो गई झंडू बाम। और इंग्लिश के दो तीन काफे देखे, दो तीन शेर हैं। मिली जाएगी सियासत में बुलंदी है जुगाड़, मिली जाएगी सियासत में बुलंदी है जुगाड़, झूठ कहने का तुम्हें टैलेंट होना चाहिए, कहने का तुम्हें टैलेंट होना चाहिए। और ये भी देखें एक शेर, गर मोहब्बत है किसी से तुमको दुनिया में जुगाड़, गर मोहब्बत है किसी से तुमको दुनिया में जुगाड़, हुस्न वालों से जरा डिफरेंस होना चाहिए, हुस्न वालों से जरा डिफरेंस होना चाहिए। और ये
ये शेर भी मुलादा फरमाए तो मैंने जो कुछ कहा उसे उसने रिपीट कर दिया। मैंने जो कुछ कहा उसे उसने रिपीट कर दिया, उसकी इन्हीं अदाओं ने गुस्सा डिलीट कर दिया। मैंने उसे उसने रिपीट कर दिया, उसकी इन्हीं अदाओं ने गुस्सा डिलीट कर दिया। ये शेर भी देखे, जब भी बीवी की कमी महसूस की, जब भी बीवी की कमी महसूस की, अपनी आंखों में नमी महसूस की। जब भी बीवी की कमी महसूस की, अपनी आंखों में नमी महसूस की। शुक्रिया। और ये शेर भी देखेंगे, थोबड़ा तेरा वो गंदा बदनुमा, थोबड़ा तेरा वो गंदा बदनुमा, बिन बिनाता उसपे मच्छर याद है, बिन बिनाता उसपे मच्छर याद है। और बतौर खास ये शेर भी देखें कि सजा अपने किए की पा रहा हूँ, सजा अपने किए की पा रहा हूँ, मैं बर्तन धो के ऑफिस जा रहा हूँ, अपने किए की पा रहा हूँ, मैं बर्तन धो के ऑफिस जा रहा हूँ। और ये शेर भी देखें, घरों में छुप गए गंजे हमारी बस्ती के, घरों में छुप गए गंजे हमारी बस्ती के, अमीरे शहर को जुगनू तलाश करना था, अमीरे शहर को जुगनू तलाश करना था। ये शेर भी देखें कि ससुराल चायखाना मोहल्ला गली पड़ोस, ससुराल चायखाना मोहल्ला गली पड़ोस, किस किस जगह हमारी मरम्मत नहीं हुई, किस किस जगह हमारी मरम्मत नहीं हुई। और सब जगह के शेर भी देखें, बाबा शादी की क्या, मेरे सिवा सब डरते हैं, कौन डरता नहीं है बीवी से, कौन डरता नहीं है बीवी से, अच्छे अच्छों के हौसले, कौन डरता नहीं है, कौन डरता नहीं है बीवी से, अच्छे अच्छों के हौसले देखे। और ये शेर भी देखे कि मैंने कहा कि थोड़ा नमक कम है दाल में, अच्छा मैंने कहा कि थोड़ा नमक कम है दाल में, बेलन छुपाए फिरती है वो अपनी शाल में, बेलन छुपाए फिरती है वो अपनी शाल में। और दो तीन कतार देखें कि जुओं को हड़बड़ाना चाहता हूँ, क्या कह ले, जुओं को हड़बड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारा सर खुजाना चाहता हूँ, जुओं को हड़बड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारा सर खुजाना चाहता हूँ, जरा सांसों को दम भर रोक लेना, जरा सांसों को दम भर रोक लेना, कि मैं बीड़ी जलाना चाहता हूँ, कि मैं बीड़ी जलाना चाहता हूँ। चार मिसरे भी देखे कि जो मुंह बनाए मेरे खासने से महफिल में, अच्छा जो मुंह बनाए मेरे खासने से महफिल में, खुदा करे कि उसे उम्र भर जुकाम, खुदा करे कि उसे उम्र भर जुकाम। जुगाड़ आपके शेरों पे जिसने दाद न दी, जुगाड़ आपके शेरों पे जिसने दाद न दी, हमेशा अपनी ही बेगम का वो गुलाम रहे, हमेशा अपनी बेगम का वो गुलाम रहे। और छह मिसरे देखें, एक हसीना राह में हमको मिली, हाथ अपने दिल पे रखकर रह गए, गुल बदन गुलनाज जाने सच चमन, बेखुदी में जाने क्या क्या कह गए। एक हसीना राह में हमको मिली, हाथ अपने दिल पे रखकर रह गए, गुल बदन गुलनाज जाने सच चमन, बेखुदी में जाने क्या क्या कह गए। उसने जब हमसे कहा भैया सुनो, एक हसीना राह में हमको मिली, हाथ अपने दिल पे रख कर रह गए, गुल बदन गुलनाज जाने सच चमन, बेखुदी में जाने क्या क्या कह गए। उसने जब हमसे कहा भैया सुनो, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। एक शेर और याद आ रहा है इससे पहले कि हमारी बीवी ने जब तैश में पुकारा है, हमारी बीवी ने जब तैश में पुकारा है, तो चिमटा फूकनी बेलन उठा के मारा है। चार मिसरे देखें, अल्फा दिखाई दे ना ही बाटा दिखाई दे, अल्फा दिखाई दे ना ही बाटा दिखाई दे, हमको तो बस हसीनों का टाटा दिखाई दे, हमको तो बस हसीनों का टाटा दिखाई दे। गुलकन लौंग छाली न दिलबाग ऐ जुगाड़, उस पान में तो कत्था हो चूना दिखाई दे, उस पान में तो कत्था हो चूना दिखाई दे। बम्बई वाले के लिए चार मिसरे, मुंबई लोकल ट्रेन का झगड़ा, अच्छा मुंबई लोकल ट्रेन का झगड़ा,
खाओ हाजी अली का रगड़ा, मुंबई लोकल ट्रेन का झगड़ा, खाओ हाजी अली का रगड़ा, घर में हुल्लड़ खूब मचाओ, खेलो काजी धड़म धड़ा, घर में हुल्लड़ खूब मचाओ, खेलो काजी धड़म धड़ा। और चार मिसे देखें कि फोन पर उसने ये पूछा है कहाँ तक पहुँचे, फोन पर उसने ये पूछा है कहाँ तक पहुँचे, चार केले भी चुरा लाना जहाँ तक पहुँचे, फोन पर उसने ये पूछा है कहाँ तक पहुँचे, चार केले भी चुरा लाना जहाँ तक पहुँचे। और तस्लीम का चेहरा, मैंने सर फोड़ने वाले का भी मुंह चूम लिया, मैंने सर फोड़ने वाले का भी मुंह चूम लिया, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और चार मिसरे और देखे, घर के उन पर ही मैं इल्जाम सरक जाऊंगा, धर के उन पर ही मैं इल्जाम सरक जाऊंगा, लोग करते रहे बदनाम सरक जाऊंगा, मेरी आदत है पुरानी मैं फ्री खाता हूँ, मेरी आदत है पुरानी मैं फ्री खाता हूँ, लेके लेके शेख के बादाम सरक जाऊंगा, लेके शेख। गजल का मतलब देखे, जब से मैं बीवी के मैके से निकल आया हूँ, जब से मैं बीवी के मैके से निकल आया हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं खतरे से निकल जब से बीवी के मैके से निकल आया हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं खतरे से निकल आया हूँ। उसको भी मुझसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, उसको भी मुझसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, मैं भी अब फालतू खर्चे से निकल आया हूँ, जब से देखा है नए यार के हमरा उसे, जब से देखा है नए यार के हमरा उसे, मैं पड़ोसन के शिकंजे से निकल, मैं पड़ोसन के शिकंजे से निकल आया हूँ। और ये शेर भी देखे बतौर खास, जब सुना हाथ कटाने हैं मुझे गब्बर से, जब सुना हाथ कटाने हैं मुझे गब्बर से, फिल्म शोले के महकमे से निकल आया, फिल्म शोले के महकमे से निकल आया, जब से मैं बीवी के महके से निकल आया हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं खतरे से निकल आया हूँ। करके तजलील मेरी तू मुझे मक्खन न लगा, करके तजलील मेरी तू मुझे मक्खन न लगा, अब तेरे चाय समोसे से निकल करके तजलील मेरी तू मुझे मक्खन न लगा, करके तजलील मेरी तू मुझे मक्खन न लगा, अब तेरे चाय समोसे से निकल आया हूँ। और ये शेर भी देखे बतौर खास के, जान ले लेती तेरे भाई की दादागिरी, जान ले लेती तेरे भाई की दादागिरी, इसलिए तेरे मोहल्ले से निकल आया हूँ, इसलिए तेरे मोहल्ले से निकल आया हूँ, मार देता तेरा भाई मुझे खटमल की तरह, मार देता तेरा भाई मुझे खटमल की तरह, शुक्र है मैं तेरे खटिये से निकल, हो सका जब ना किसी तरह भी गाड़ी का जुगाड़, हो सका जब ना किसी तरह भी गाड़ी का जुगाड़, शहर से गांव में रिक्शे से निकल आया हूँ, जब से मैं बीवी के मैके से निकल आया हूँ, मुतमईन हूँ कि मैं खतरे से निकल आया हूँ। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे समर देवबंदी जुगाड़। समर भाई ऐसी ऐसी जुगाड़ लगाते हैं कि हम जैसे शायर तो बस सोचते रह जाते हैं या अपना सर खुजा के रह जाते हैं। इन्होंने एक बात कही कि हमको हसीना एक मिली राह में, हम भी दीवाने हो गए उसकी चाह में, हमने उछाला दिल और उसको दे दिया, उसने अभी वो दिल हमें वापस कर दिया और कहा कि जनाब कोई दूसरा है तो दीजिए, ये पिचका हुआ है दिल ये नहीं चलेगा। ये बाबा हैं और मेरी मुराद है कि अब जोरदार तालियों से एक बार फिर बाबा का स्वागत किया जाए। मैं अपने दूसरे शायर की तरफ चलूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजाज हिंदी साहब का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़े शायर हैं, ऐसी कोई महफिल नहीं है जिसपे उन्होंने शायरी न की हो, उन्होंने न पढ़ा हो। एक खास अपना किताब से मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ कि मेरे एहसास को ऐसी नजर दे, मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू भाई ना कर दे, मेरे एहसास को ऐसी नजर दे कि मुझ पत्थर को तू आईना कर दे, सलावत से अपनी मैं उकता गया हूँ, जिगर को नूर के दरिया से भर दे, जिगर को नूर के दरिया से भर दे। मेरी मुराद है
मुमरा कौसा से पधारे हुए हमारे बुजुर्ग शायर एजाज हिंदी साहब, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एजाज हिंदी साहब का। बहुत शुक्रिया वाजिबा के इस प्रोग्राम में मुझे मधु करने का। आप तमाम हजरात को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपने कलाम का कुछ मतदा हिस्सा आपकी नजर कर रहा हूँ। दो अशार से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मतलब है कि मैं अपनी तर्ज का मेमार हूँ जमाने में। अच्छा है। मैं अपनी तर्ज का मेमार हूँ जमाने में, मेरा गुजारा नहीं तेरे कारखाने में। मैं अपनी तर्ज का मेमार हूँ जमाने में, मेरा गुजारा नहीं तेरे कारखाने में। और ये शेर देखें कि तलाशे मंजिले मकसूद में भटकता रहा। अच्छा। तलाशे मंजिले मकसूद में भटकता रहा, एक उम्र मुझको लगी है यहाँ तक आने में। तलाशे मंजिले मकसूद में भटकता रहा, एक उम्र मुझको लगी है यहाँ तक आने में। तलाशे मंजिले मकसूद का जवाब नहीं, बहुत तलाशे मंजिले मकसूद में भटकता रहा, एक उम्र लगी है मुझको क्या कहने में। शौक महंगा हो के सस्ता नहीं देखा जाता। शौक महंगा हो के सस्ता नहीं देखा जाता, दिल के बाजार में सौदा नहीं देखा जाता। शौक महंगा हो के सस्ता नहीं देखा जाता, दिल के बाजार में सौदा नहीं देखा जाता। हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, तुझसे हटकर कोई चेहरा नहीं देखा। हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, तुझसे हटकर कोई चेहरा नहीं देखा। और शेर देखे कि नस्ल नौ पहले से होशियार हुई जाती है, नस्ल नौ पहले से होशियार हुई जाती है, अब मदारी का तमाशा नहीं देखा। ये शेर देखें कि अब उसको मस्तूर भी रहना है, आया होना भी, उसको मस्तूर भी रहना है, आया होना भी, मसले मसले के इश्क में पर्दा नहीं देखा जाता। उसको मस्तूर भी रहना है, आया होना भी, अच्छा है, मसले के इश्क में पर्दा नहीं देखा जाता। मकता अर्ज कर रहा हूँ कि अब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है जाज़िंदी। अच्छा है। अब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है जाज़िंदी, खुद को इस तरह भी तन्हा नहीं देखा। अब कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है जाज़िंदी, खुद को इस तरह भी तन्हा नहीं देखा जाता। शौक महंगा हो के सस्ता नहीं देखा जाता, दिल के बाजार में सौदा, हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, तुझसे हटकर कोई चेहरा, हसरत दीद के कुछ अपने तकाजे हैं मगर, तुझसे हटकर कोई चेहरा नहीं देखा जाता है। गजल और समाज करें। जी जी आता हूं। कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ। कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं, खुलूसो आजिजी बंदा नवाजी खैर खाही, खुलूसो आजिजी बंदा नवाजी खैर खाही, कई खानों में बटता और जिया होता हुआ मैं, खुलूस आजिज़ी बंदा नवाजी खैर खाही, आसिफ भाई, खुलूस आजिज़ी बंदा नवाजी खैर खाही, कई खानों में बटता और जिया होता हुआ मैं। शेर समाप्त करें कि निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर, निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर, चढ़ा कर तीर नजरों का कमा होता हुआ, निगाहें शाख पर बैठे परिंदे पर जमा कर, चढ़ा कर तीर नजरों का कमा होता हुआ मैं। देखिए कि इसी में खाक हो जाऊं तमन्ना है किसी दिन, इसी में खाक हो जाऊं तमन्ना है किसी दिन,
तेरी आंखों की आतिश में धुआं होता हुआ इसी में खाक हो जाऊं, तमन्ना है किसी दिन। बहुत अच्छे, तेरी आंखों की आतिश में धुआं होता हुआ मैं। और ये शेर देखें कि किसी बंजर जमी की कोख में पनपा पनप कर, किसी बंजर जमी की कोख में पनपा पनप कर, खिजा मौसम की जद में रायगा होता हुआ मैं। किसी बंजर जमीन की गोद में पनपा पनप कर, खिजा मौसम की जद में रायगा होता हुआ मैं। पनप कर का जवाब नहीं भाई, किसी बंजर जमीन, क्या बात है, क्या बात है, किसी बंजर जमीन की कोख में पनपा पनप कर, खिजा मौसम की जद में रायगा होता हुआ मैं। घटा बारिश समंदर तेज तूफानी हवाएं, क्या कहने, क्या कहने, बारिश समंदर तेज तूफानी हवाएं, क्या तरतीब, तेरी कश्ती की खातिर बादबां होता घटाएं, घटा बारिश समंदर तेज तूफानी हवाएं, तेरी कश्ती की खातिर बादबां होता हुआ मैं, तेरी कश्ती की खातिर बादबां होता हुआ मैं। और ये फन एजाज हिंदी रास कब आता है सबको, ये फन एजाज हिंदी रास कब आता है सबको, तलाशे फन में सरगर्दां रवा होता हुआ, ये फन एजाज हिंदी रास कब आता है सबको, तलाशे फन में सरगर्दां रवा होता हुआ मैं। कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं। कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कहानी दर कहानी दास्तां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं, कई नस्लों से गुजरा हूँ बयां होता हुआ मैं अपनी तर्ज का मेमार हूँ जमाने में, मेरा गुजारा नहीं है तेरे कारखाने में। अभी आप सुन रहे थे एजाज हिंदी साहब को, गीत गजल और कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार, नगर सेवक, अधिकारी या सरकार, वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके जिसके नगर में देखे, डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा और बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं गीत गजल और कविताओं का एक अनूठा कार्यक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह। यदि आपकी लेखनी में है दम तो टीवी और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम, तो फिर देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने साहित्य को दीजिए एक नया मुकाम, नवोदित शायरों और कवियों का अपना मंच वाह जी वाह। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजल और कविताओं के उस अनूठे कार्यक्रम में जिसके नाम है वाह जी वाह। दोस्तों अब हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और उस शायर के हुजूर चलते हैं, उस शायर को आवाज देते हैं जिस शायर का नाम है आसी बयारवी। बड़े अदबो एहतराम के साथ मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ ऐसे शायर को जो उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उनको बुलाने के वक्त मुझे अपना एक शेर याद आता है कि जब अपने आप से खुद को मिलाना पड़ता है, गमों की धूप में अक्सर नहाना पड़ता है, ये और बात कि खुशियां नहीं मुकद्दर में मगर किसी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, मगर किसी के लिए मुस्कुराना पड़ता है, और यहाँ कोई नहीं रोशन जमीर ए वाहिद, अब अपनी लाश को खुद ही उठाना पड़ता है। एक ऐसा शायर जिसमें जज्बा है, जुनून है, इल्म है, हुनर है, सिफत है, मेरी मुराद है आसी बयारवी साहब से। मैं दावत सुखन देता हूँ आसी बयारवी साहब को। आसी भाई आइए, आपका स्वागत। ईद के इस मुबारक मौका पर वाह जी वाह में मदऊ किए जाने के लिए हमारे अजीज और बड़े भाई डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्वागत है। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। इशाद समाप्त हुआ है। इशाद इशाद
मतलब यूँ है कि नसीमे सुबह को मामूरे मुश्क वो करते, नसीबे सुबह को मामूरे मुश्क वो करते, गुजर गए हैं तेरा जिक्र कु बकु करते, गुजर गए हैं तेरा जिक्र कु बकु करते, नसीबे सुबह को मामूरे मुश्क वो करते, गुजर गए हैं तेरा जिक्र कु बकु करते, गुजर गए हैं तेरा जिक्र कु बकु कु बकु करते। शेर हाजिर करता हूँ, देखें कि नमाज़े इश्क यकीनन कबूल हो जाती, नमाज़े इश्क यकीनन कबूल हो जाती, जो तेरी झील थी आंखों में हम वजू करते, नमाज़े इश्क यकीनन कबूल हो जाती, नमाज़े इश्क यकीनन कबूल हो जाती, जो तेरी झील सी आंखों में हम वजू करते, तेरी झील सी आंखों में हम वजू करते, तेरी झील सी आंखों में हम वजू करते। बतौर खास पनाह मिल गई, पनाह मिल गई सहराए शौक में वरना, पनाह मिल गई सहराए शौक में वरना, हम अपना चाक गिरेबा कहाँ रफू करते, पनाह मिल गई सहराए शौक में वरना, हम अपना चाक गिरेबा कहाँ रफू करते, हम अपना चाक गिरेबा कहाँ रफू करते, पनाह मिल गई सहराए शौक में वरना, हम अपना चाक गिरेबा कहाँ रफू करते, और ये शेर भी देखें कि जब एक निगाहे गलत से भी हो गए महरूम, तो किस उम्मीद पे हम तेरी जुतजू करते, जब एक निगाहे गलत से भी हो गए महरूम, जब एक निगाहे गलत से भी हो गए महरूम, तो किस उम्मीद पे हम तेरी जुस्तजू करते, जब एक निगाहे गलत से भी हो गए महरूम, तो किस उम्मीद पे हम तेरी जुस्तजू करते। और ये शेर भी देखें कि हमारी फिक्र भी होती जो आईना तिमसाल, तुम्हें गजल में बरतने की आरजू करते, तुम्हें गजल में बरतने की आरजू करते। चलो ये मान लिया आपको भी उल्फत थी, कभी ये बात जमाने के रूबरू करते, चलो ये मान लिया आपको भी उल्फत थी, कभी ये बात जमाने के रूबरू करते, मक्ता भी हाजिर करता हूँ, देखें कि शबे फिराक भी गुजरी है शान से आसी, फलक के चांद सितारों से गुप्तगु करते, नसीमे सुबह को मामूरे मुश्क बू करते, गुजर गए हैं तेरा जिक्र कू बकू करते। और ये आखिरी गजल के चंद अशार हाजिर करता हूँ, बिल्कुल ताज़ा अशार, ये अब तक कहीं पहुँचे नहीं है, मतलब यूँ है कि देखिए बिल्कुल ताज़ा अशार, कि करारे दिल की सुनहरी किताब
नींद में है, खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। करारे दिल की सुनहरी किताब नींद में है, नींद में है। करारे दिल की सुनहरी किताब नींद में है, खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। खुमार जाग रहा है, खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। वाह आसिफ भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मतलब है। वाह वाह, खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। शेर सुने के ये किसने रुख से हटाई हैं रेशमी जुल्फें। बिल्कुल गजल के अशआर हासिल कर रहा हूँ कि ये किसने रुख से हटाई हैं रेशमी जुल्फें के जाग कर भी अभी आफ्ताब नींद में। ये किसने रुख से हटाई हैं रेशमी जुल्फें, ये किसने रुख से हटाई हैं रेशमी जुल्फें के जाग कर भी अभी आफ्ताब नींद में है। हवा ये कैसी चमन का तवाफ करने लगी। हवा ये कैसी चमन का तवाफ करने लगी, बहार आई है लेकिन गुलाब नींद में है। हवा ये कैसी चमन का तवाफ करने लगी, हवा ये कैसी चमन का तवाफ करने लगी, बहार आई है लेकिन गुलाब नींद में है। नींद में है, सुबह पे आ न सका अपना मुद्दा आए, दिल सवाल उलझा हुआ है जवाब नींद में है। सुबह पे आ न सका अपना मुद्दा आए, दिल सुबह पे आ न सका अपना मुद्दा आए, दिल सवाल उलझा हुआ है जवाब नींद में। जवाब नींद में है, सवाल उलझा हुआ है, सवाल उलझा हुआ है, जवाब नींद में है। जवाब नींद में है, सवाल उलझा हुआ है, जवाब नींद में है। और ये शेर भी देखे कि अभी तो आंख लगी है गजीदे शब की। अभी तो आंख लगी है गजीदे शब की, सबा न छेड़ अभी माताब नींद में है। अभी तो आंख लगी है गजीदे शब की, सबा न छेड़ अभी माताब नींद में है। सबा न छेड़ अभी माताब नींद में है। और ये आखिरी शेर इस गजल का के खुली जो आंख तो चारों तरफ अंधेरा था। हाजिर कर रहा हूँ के खुली जो आंख तो चारों तरफ अंधेरा था, जो ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब नींद में। खुली जो आंख तो चारों तरफ अंधेरा था, जो ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब नींद में। हुजूर आप भी आसी से मिलने आए हैं। हुजूर आप भी आसी से मिलने आए हैं, मगर सुना है वो खाना खराब नींद में। हुजूर आप भी आसी से मिलने आए हैं मगर सुना है वो खाना खराब नींद में है। खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। क्या बात है, बहुत मेहताब वाला शेर पढ़ दीजिए। अभी तो आंख लगी है गजीदे शब की। अच्छा है, अभी तो आंख लगी है गजीदे शब की, सबा न छेड़ अभी माताब नींद में है। सबा न छेड़ अभी माताब नींद में है। करारे दिल की सुनहरी किताब नींद में है। खुमार जाग रहा है, शराब नींद में है। बहुत अच्छे ढंग से, खुमार जाग रहा है। वाह 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 वाह, सी भाई ऐसा बोल लीजिए। करारे दिल की सुनहरी किताब नींद में है, खुमार
जाग रहा है, शराब नींद में है। वाह वाह जी वाह। अभी आप सुन रहे थे आसिफ बयारवी साहब को। आसिफ बयारवी साहब का एक एक शेर मोती के जैसे है, जैसे अंगूठी में नगीने जड़े होते हैं, उस तरह से आसिफ बयारवी साहब के शेर हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आसिफ बयारवी साहब का। हमारी मुराद यह है कि हम इस तरह के शायरों को ढूंढ ढूंढ कर लाकर आपके समक्ष पेश करें। और ये अभी इब्तिदा है, ये हमारी शुरुआत है, ये हमारा आपसे वादा है कि हम इस मुंबई के कोने कोने से ऐसे शायरों को ढूंढ ढूंढ कर लेके आएंगे जो काबिले कद्र हैं और काबिले तहसीन भी हैं, मगर आपकी नज़रों से दूर रहे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जी। बहुत शुक्रिया। मुझे आसिफ भाई को एक अपना एक शेर कहने का बहुत दिल कर रहा है। आसिफ भाई जो बात कह के गए हैं, मैं उस बात तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तेरा किरदार तेरे ज़र्फ़ की मीज़ान बनता है। तेरा किरदार तेरे ज़र्फ़ की मीज़ान बनता है, तू ये सच जान कर भी किस लिए अनजान बनता है। अदब का पास रखना सीख, सीरत रख गुलाबों से। अदब का पास रखना सीख, सीरत रख गुलाबों से। तेरा अखलाक ही तेरी अलग पहचान बनता है। तेरा अखलाक ही तेरी अलग पहचान बनता है। और एक शेर बतौर खास मैं आपको देता हूं कि गजल उर्दू में कहता है, बसी रग रग में है हिंदी। गजल उर्दू में कहता है, बसी रग रग में है हिंदी, इसी तहजीब मुश्तरका से हिंदुस्तान बनता है। इसी तहजीब मुश्तरका से हिंदुस्तान बनता है। बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सही जगह दी है। बहुत शुक्रिया। इसी तहजीब मुश्तरका से हिंदुस्तान बनता है। दोस्तों, वाजिबा की महफिल के तहत हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आप जैसे नए उभरते हुए कवियों और शायरों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। अगर आप भी लिखते हैं और आपकी लेखनी में है दम, तो आपको TV1 इंडिया पर दिखाएंगे हम। आज की महफिल में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।